नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सिंबल साइकिल पर चुनाव आयोग ने फैसला रखा सुरक्षित। 5.5 घंटे चली सुनवाई के दौरान अखिलेश गुट ने आयोग को सौंपे 2/3 एमएलसी और विधायकों के समर्थन पत्र। वहीं मुलायम सिंह यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए दावा किया पेश। खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर मोदी की तस्वीर से खड़ा हुआ विवाद। कांग्रेस ने कहा, महात्मा गांधी से अहिंसा का प्रतीक लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। तो वहीं बीजेपी ने कहा, बेवजह का बनाया जा रहा है मुद्दा, कोई नहीं ले सकता बापू की जगह। सोशल मीडिया पर जवानों की शिकायतों पर गृह मंत्रालय ने दिए निपटारे के आदेश। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जवानों को सोशल मीडिया से बचने की दी सलाह। आर्मी हेडक्वार्टर और बाकी कमांड्स में सुझाव और शिकायत बॉक्स लगाने के दिए निर्देश। नोटबंदी पर पीएम मोदी को तलब करने की अटकलों से लोक लेखा कमेटी ने झाड़ा पल्ला। कमेटी ने जारी किया बयान, कहा हमारे पास नहीं है पीएम और मंत्रियों को समन भेजने का अधिकार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच टकराव। एलजी ने लौटाई डीटीसी के किराए घटाने की फाइल। दिल्ली सरकार ने डीटीसी किराए में 75% कटौती का किया था ऐलान। और कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए धोनी। कहा विराट को मैदान पर देता रहूंगा सलाह। कप्तानी छोड़ने पर बोले, जिंदगी में किसी चीज का नहीं करता पछतावा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।